सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक न्यू है एंड यूनाइटेड के लीक्स एंड अपडेट्स चाहते हैं और अदर गेम प्लेस के साथ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। Hey guys and welcome back to the channel। और गाइज आज की वीडियो में हम लोग पता लगाने वाले कि क्या सच में ये सब जो पोकेमोन्स के लीक्स आ रही है यूनाइट की, क्या वो सबके सब रियल है या तो भाई वो सबके सब फेक बनाए जा रहे हैं या भाई कोई बंदा उसको बना रहा है या फिर भाई ऑफिशियली पोकेमोन कंपनी ने उसको दिया है। आज की वीडियो में हम लोग यही पता लगाने वाले हैं। आई होप कि तुमको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर हम चैनल पे पहली बार है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और अपडेट्स के लिए भी। एंड हाँ, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। एंड अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और करते अपने वीडियो को स्टार्ट। तो भाई चलो स्टार्ट करते सबसे पहले। तो अभी तो सबसे पहले भाई शाउट आउट जाता है, सबसे पहला शाउट आउट यूनस हुसैन भाई को, क्योंकि जितनी भी इमेजेस है ना इसमें जो मैं आज के वीडियो में दिखाऊंगा वो सब के सब इन्होंने सेंड की है। एंड मुझे इस चीज़ के बारे में इन्होंने ही बताया, मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि भाई ऐसे पोकेमोन्स के लीक्स भी आ रही है। तो यार सबसे पहले शाउट आउट उनको दिया है मैंने, बाकी तुम समझ गए होंगे कि मैंने उनको शाउट आउट क्यों दिया है। एनीवेज गाइस अभी यार हम लोग बात करते हैं कि उन इमेजेस के बारे में, ठीक है। उस इमेज में भाई सबसे पहला पोकेमोन जो है वो टॉक्सिक्रोक है। टॉक्सिक्रोक के भाई चांस तो बिल्कुल भी नहीं थे एंड ना ही है अभी, बट भाई इस इमेज में तो देखने को मिल रहा है। एंड दूसरी इमेज भाई इसका इवोल्यूशन है जो कि 6 या 5 लेवल पे इवॉल्व होगा, स्पीडस्टर बताया भाई इसको। एंड इसके मूव्स की बात करें तो भाई पहला मूव भाई एक है पॉइजन टच, बाकी ये जो लिखा है भाई तुम पढ़ लेना, मुझे ऑफिशियल नहीं लग रहा कहीं से भी। बाकी भाई अगले मूव सेट की बात करें तो उसमें लो स्वीप, स्लज वेव, प्रिक प्रिक, पॉइजन जैब, क्रॉस चॉप, पॉइजन स्टिंग, भाई ये सब इसके कुछ ज़्यादा ही मूव्स लग रहे हैं मुझे तो सीरियसली। एंड यूनाइट मूव की बात करें तो भाई वो है पॉइजन डार्ट डांस, ठीक है। ये यूनाइट मूव मुझे नहीं लगता यार, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी जितना भी डाटा बेस है भाई टॉक्सिक्रोक का इस पोस्टर में है, तुम देख सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। एनीवेज भाई अभी हम लोग बात करते हैं अगले वाले की, ठीक है। बाकी यार मुझे ये सच में यार रियल नहीं लग रहा। एनीवेज हम लोग बात करते हैं अगले पोकेमोन की जो कि है ज़ोरॉक। ज़ोरॉक गाइज अभी भाई मुझे लगता नहीं कि ऐसा पोकेमोन कोई गेम में आ सकता है। एनीवेज इसका इवोल्यूशन वाला जो फोटो है उसमें भाई ये पहले ज़ोरुआ रहता है तुमको पता है, उसके बाद लेवल 5 पे इवॉल्व होगा एंड स्पीडस्टर बताया है इसको। लग भी रहा है स्पीडस्टर जैसा लेकिन मुझे लगता कि आएगा, बाकी उसके मूवसेट मेरे पास नहीं है। एनीवेज अगला है भाई सीजोर। सीजोर भाई ऐसे कैसे सीजोर को ऑलराउंडर बना दें इन्होंने, मतलब इन्होंने नहीं, मैं नहीं कह रहा कि पोकेमोन कंपनी ने बनाया, जिसने बनाया भाई ऑलराउंडर किस डिज़ाइन से लगता है भाई, किस एंगल से, ये तो स्पीडस्टर जैसा लगता है मुझे। एंड भाई इसको कैसे पता कि ये गेम में आएगा। एनीवेज जो भी उसके मूव्स है तुम्हारी स्क्रीन पे जो कि यू टर्न, एक्सिस और ऐसे है, बाकी स्टील विंग, बुलेट पंच, ये सब है। एनीवेज गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये सब बना कौन रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि रियल है। यूनाइट मूव भाई डाला है इसने स्टील क्लॉ स्नैप ट्रैप, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो, सीरियसली हो भी सकता है। लेकिन यूनाइट मूव भाई जो भी हो यूनाइट मूव से लेना देना नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे लेना देना है कि भाई कौन ऐसे पोकेमॉन्स की फेक इमेज बना रहा है, ठीक है। ये एकदम रियल जैसी बना रहा है जो भी हो बंदा, भाई इंडिया का बंदा नहीं लगता ये। एनीवेज गाइस तुमको मैंने बहुत सारी इमेज दिखाई, लाइक ज़ोरॉक, टॉक्सिक्रोक, मेटाग्रॉस एंड भाई दिखाया सीजोर का, जो कि भाई जो भी हो इसमें तुम देख सकते हो। मेटाग्रॉस वाले को मैंने पहले भी दिखाया, फिर भी देख लो भाई, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इन सबके मूव सेट दिखा चुका हूँ। तो अब ये पता लगाना बाकी है कि क्या सच में ये सब रियल है या फिर यार फेक है, और इसके लिए हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि ये सब बना कौन रहा है। तो जब मैं अपने कमेंट चेक कर रहा था भाई, उसमें मुझे देखने को मिला कुछ लोगों ने कमेंट किया कि एक बिगकस नाम का बंदा है, ठीक है, बिगकस टीवी। तो मुझे समझ नहीं आया पहले भाई बिगकस टीवी होता क्या है, तब मैंने दिमाग लगाया भाई यूट्यूब पे गया मैं सर्च किया डायरेक्ट, तब चले भाई एक चैनल है, ठीक है, जो कि जितनी भी इमेजेस है ना सब के सब उसी ने बनाई है जितनी मैंने दिखाई तुम्हें। एंड यार ये सबका क्रेडिट तो उसको जाता ही है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई भाई कि वो ये सब बना क्यों रहा है फेक। एंड ना ही इंडिया का, ना ही तुमने उसको कमेंट कर सकते हो कुछ। एनीवेज भाई उसकी वीडियो जो मैंने देखी ना, तो उसमें से एक 4 महीने पुरानी वीडियो जिसमें भाई उसने दिखाया ड्रैगनाइट के बारे में। ड्रैगनाइट भाई 2 महीने पहले पता चला कि ड्रैगनाइट गेम में आएगा, 2 या 1.5 महीने हुए होंगे, और भाई इसको पहले से ही पता कि ड्रैगनाइट गेम में आएगा। ये ऐसा कैसे हो गया, माना कि फेक बना रहा है बट इसको 4 महीने पहले पता कैसे चला कि ड्रैगनाइट आने वाला है गेम में। एंड यही भी भाई मेरा डाउट और बढ़ गया कि क्या सच में यह पोकेमोन कंपनी का बंदा है ये। एंड ऐसा होता तो भाई ऐसे अलग से चैनल बना के क्लिक पे तो नहीं करता ये। एनीवेज भाई वो सब लोग करते हैं, लेकिन भाई इसने अलग ही टाइप से किया है, सीरियसली यार इसने एकदम रियल बना के दिया है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बना दिया। एनीवेज जो भी हो आज की वीडियो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या ये सच में जो फोटोज ये आ रही है ना वो सब रियल है या फिर फेक है।
तो तुम अब समझ गए होंगे यार, कोई भी बोले ना कि वीडियो सब बना के कि ये रियल है, भाई रियल नहीं है, सीरियसली यार ये बिकस टीवी बना रहा है। एंड भाई उसको तुम्हारी भाषा समझ नहीं आएगी तो कमेंट कुछ मत कर देना उस बेचारे को। एनीवेज भाई उससे मैं बात करने की ट्राई करूँगा क्यों बना रहा है वैसा। एनीवेज भाई आज की वीडियो में आई थिंक इतना ही रहना ठीक है। एंड तुमको तो पता चल ही गया होगा कि क्या ये सब रियल है या फिर फेक है। एनीवेज भाई ये तो तुम जानते होंगे कि जो भी ये बना रहा है वो सही नहीं कर रहा, लेकिन इसको ड्रैगनाइट वाले के बारे में पता कैसे चला कि 4 महीने पहले इसको पता चल गया कि गेम में ड्रैगनाइट आएगा। एंड मूवसेट इसका भले ही गलत हो लेकिन ड्रैगनाइट के बारे में कैसे पता चला, यही सबसे ज़्यादा मुझे डाउट लगता है। जो भी भाई इसकी सब वीडियोस फेक है, वीडियोस तो फेक नहीं, ऐसे मज़े में बनाता है ये बंदा। एंड लोग समझते हैं कि ये रियल है ठीक है, तो ये रियल नहीं है, ये फेक है। तुमको पहले ही बोला था भाई कि ये सब फैनमेड भी हो सकता है। एनीवेज आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड थैंक यू यूनस हुसैन जिसने मुझे बताया कि ये सब आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ये नहीं मेरे पोकेमॉन यूनाइट की आईडी, चाहो तो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, सबकी एक्सेप्ट कर लूँगा। अंटिल देन बाय बाय।